फाइंड द क्वेश्चन एंड द के सेकेंड क्वेश्चन 9536 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है 9, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, क्या आएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है आपका 5, 3 1 जा 3, तो जब आप इसको 5 से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 2, नेक्स्ट डिजिट क्या है आपका 3, तो ये क्या बन जाएगा नंबर आपका 23, 3 7 जा 21, फिर 23 को 21 से माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका रिमाइंडर 2, नेक्स्ट डिजिट आपका क्या आ जाएगा 6, 3 8 जा 24, तो जब आप 26 को 24 से माइनस करोगे तो नेक्स्ट आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 2। ओके, नेक्स्ट ये आपकी क्या है सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ वैन कैन कैरी अप टू 8 पीपल, हाउ मैनी वैन विल बी नीडेड टू कैरी 128 पीपल। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ पीपल अ वैन कैन कैरी 8। ठीक है, एक वैन में कितने पीपल कैरी हो रहे हैं, 8 पीपल कैरी हो रहे हैं। वैन्स नीडेड टू कैरी 128 पीपल मीन्स आपको कितने वैन्स की ज़रूरत है 128 पीपल को कैरी करने के लिए। क्या करोगे आप इसके लिए, 128 को 8 से डिवाइड कर दोगे। इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड का आपको यूज़ करना है, 128 को 8 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ फर्स्ट डिजिट क्या है आपका 2 है। ठीक है, जब मैंने बताया था ये आपको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, जब डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट आपका डिवाइज़र से छोटा होता है तो क्या करते हैं अपन, 2 डिजिट लेते हैं एक साथ, है ना। तो 8 1 जा 8 आ जाएगा आपका, तो 12 को आप 8 से माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका 4, नेक्स्ट डिजिट क्या है आपका 8, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 48, फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 जा 48, और ये रहा रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, कुछ भी नहीं। मीन्स आपको टोटल कितने वैन्स की ज़रूरत पड़ेगी, 16 वैन्स कैरी अप टू 128 पीपल मीन्स 16 वैन्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको 128 पीपल को कैरी करने के लिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, विनोद हैड रुपीज़ 2,252 विथ हिम मीन्स विनोद के पास कितने रुपीज़ हैं, 2,252। ही डिवाइडेड हिज मनी इक्वली एमंग 7 चिल्ड्रन मीन्स वो क्या कर रहा है, अपनी जो मनी है उसको 7 चिल्ड्रन में इक्वली मीन्स बराबर डिवाइड करना चाहता है। ठीक है, हाउ मच मनी डिड ईच चिल्ड्रन गेट, प्रत्येक बच्चे को, ईच चिल्ड्रन को कितने रुपीज़ मिलेंगे ये आपको बताना है, एंड हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट, उसके पास कितनी मनी बची ये भी आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, फर्स्ट उसके पास जितनी मनी है उसको आप क्या करोगे 7 से डिवाइड कर दोगे, उसके बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा आपके पास, उतनी बची मनी उसके पास बचेगी। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, मनी विनोद है मीन्स मनी के, विनोद के पास कितनी टोटल मनी है 2,252। ही डिवाइडेड हिज मनी इक्वली एमंग 7 चिल्ड्रन, वो इस मनी को किस में, 7 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, 2,252 को 7 से डिवाइड कर दोगे। इसमें भी आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है, इसमें आपका डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट क्या है, डिवाइज़र से छोटा है तो आप क्या लोगे 2 डिजिट लोगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, यहाँ 1 आएगा, नेक्स्ट डिजिट आप लोगे 5, 7 2 जा 14, फिर अगेन आपका 1 आ जाएगा, नेक्स्ट डिजिट लोगे 2, 7 1 जा 7। अब यहाँ 5 क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया, ये इसके बाद कोई डिजिट नहीं है और ये आपका क्या हो गया, डिवाइज़र से छोटा हो गया, तो ये क्या होगा आपका, रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ये जो 5 रुपीज़ रिमाइंडर आपको बचा है ये क्या है, उसके पास बचा हुआ है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा था ना कि कितनी मनी उसके पास बची, तो 5 रुपीज़ उसके पास बचेगी और 7 चिल्ड्रन में जो उसको इक्वल डिवाइड करना है वो आपका क्या हो जाएगा, 321 मीन्स 321 रुपीज़ वो 7 चिल्ड्रन्स को देगा, 321 सबको देगा और उसके बाद 5 रुपीज़ उसके पास बचेगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन,
देयर आर 4070 मफिन्स, ठीक है, टोटल कितनी मफिन्स हैं आपके पास, 4070 मफिन्स हैं। जैस्मिन पैक 6 मफिन इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस विल शी नीड टू पैक ऑल द मफिन्स, मीन्स 4070 मफिन्स टोटल हैं और एक पैकेट में वो कितनी मफिन्स पैक कर रही है, 6 मफिन्स को पैक कर रही है, तो उसको कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है ये आपको बताना है, और उसके पास और कोई मफिन्स बच रही है क्या ये भी आपको बताना है। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, जो आपको ये टोटल नंबर्स दिए हुए हैं मफिन्स के, इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 6 से, क्योंकि एक पैकेट में कितनी आ रही है, 6 मफिन्स को वो पैक कर रही है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, टोटल मफिन्स आपकी कितनी है, 4070, और एक पैक में वो 6 मफिन्स को पैक कर रही है, तो आपको क्या करना है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 6 6 36, यहाँ आपका 4 आ जाएगा, फिर 7 आप लोगे, 6 7 42, फिर आप यहाँ माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 5, और ये लास्ट डिजिट आपका 0, 6 8 48, ठीक है, 2 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर, मीन्स 2 मफिन्स आपकी बच गई। तो टोटल उसको कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, 678 बॉक्सेस की जैस्मिन को ज़रूरत पड़ेगी, और उसको 2 मफिन्स जो है वो बच जाएंगे। सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम, पेज नंबर 76 में है ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम, इसको भी आपको सॉल्व करना है। ऑन अ सर्टन संडे स्टॉल ए सोल्ड 308 बर्गर एंड स्टॉल बी सोल्ड 3 टाइम्स एज मैनी बर्गर एज स्टॉल ए। स्टॉल सी सोल्ड 85 फ्यूअर बर्गर देन स्टॉल बी, हाउ मैनी बर्गर्स डिड स्टॉल सी सेल। मीन्स आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि स्टॉल सी ने संडे को कितने बर्गर सेल किए। तो आपको इसमें पता क्या है कि स्टॉल ए ने जो सेल किए वो 308 बर्गर्स थे, ठीक है, फिर स्टॉल बी ने 3 टाइम्स ज़्यादा किए किससे, स्टॉल ए से, एंड स्टॉल सी ने 85 फ्यूअर मीन्स कम बर्गर सेल किए किससे, स्टॉल बी से। तो ये मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टॉल ए ने टोटल कितने बर्गर सेल किए, 308 बर्गर, ठीक है, स्टॉल बी ने उससे ए से 3 टाइम्स ज़्यादा, यानी जितना ए ने किया उससे 3 टाइम्स मोर किया किसने, स्टॉल बी ने। तो उसके लिए क्या करोगे आप, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, फिर जो आपको स्टॉल बी ने सेल किया उससे 85 फ्यूअर मीन्स 85 कम किसने सेल किए, स्टॉल सी ने। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको स्टॉल ए का पता है, बी का पता करने के लिए आप क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 924 किसने सेल किए, स्टॉल बी ने। फिर स्टॉल सी ने 85 फ्यूअर किए स्टॉल बी से, मींस 85 आप क्या कर दोगे, 924 में 85 को आप माइनस कर दोगे, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 839, मींस स्टॉल सी सेल 839 बर्गर्स। सेकेंड क्वेश्चन इज, अ फैक्ट्री स्टिच 556 शर्ट इन अ डे, इट पैक्स 8 शर्ट इन अ कार्टून, हाउ मैनी कार्टून कैन बी मेड विथ ऑल द स्टिच्ड शर्ट, हाउ मैनी मोर शर्ट विल बी नीडेड टू मेक एन एक्स्ट्रा कार्टून। मीन्स आपको एक फैक्ट्री ने एक दिन में कितने शर्ट सिले ये आपको दिया हुआ है, और एक कार्टून में 8 शर्ट पैक होते हैं, तो आपको बताना है कि इतने टोटल शर्ट को पैक करने के लिए कितने कार्टून्स की ज़रूरत होगी, और एक एक्स्ट्रा और शर्ट कार्टून बनाने के लिए कितने शर्ट सिलने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको टोटल नंबर दिए हैं शर्ट के, जो टोटल नंबर्स दिए हैं उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, 8 से, क्योंकि वन पैक में एक कार्टून में कितने शर्ट पैक हो रहे हैं, 8 शर्ट पैक हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल शर्ट आपके जो दिए हुए हैं 456, और एक कार्टून में कितने शर्ट आ रहे हैं आपके, 8 शर्ट आ रहे हैं।
इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 57। मींस 57 में इसमें यहाँ पे आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो टोटल आपके जो कार्टून पैक होंगे वो कितने हो जाएंगे, 57। ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा कार्टून बनाने के लिए आपको 8 सेट की और ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन, वरुण कलेक्टेड ₹455 फॉर अ फंक्शन। सोहा कलेक्टेड ट्वाइस एज मच एज वरुण। रीमा कलेक्टेड ₹138 लेस देन सोहा। हाउ मच मनी डिड रीमा कलेक्टेड। मीन्स आपको वरुण का एग्जैक्ट अमाउंट दिया हुआ है कि वरुण ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया, 455। ठीक है, अब इससे ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स ज़्यादा किसने कलेक्ट किया, वरुण ने। तो आपको फर्स्ट किसका पता है, वरुण का पता है कि वरुण ने कितना कलेक्ट किया है, 455 रुपीज़। तो सोहा का आपको पता करने के लिए क्या करोगे, आप उसमें टू को मल्टीप्लाई कर दोगे, टू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल क्या आ जाएगा आपका, 910 रुपीज़। मीन्स ये किसने कलेक्ट किए, सोहा ने। टू टाइम्स इससे ज़्यादा था, मीन्स टू का आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये जो मनी आई ये किसकी आ गई, आपकी सोहा की। अब रीमा ने कितना कलेक्ट किया है, जो अमाउंट सोहा ने कलेक्ट किया है उससे 138 लेस मीन्स कम। तो कम के लिए आप हमेशा क्या करते हो, माइनस करते हो। मीन्स 910 में आप जब 138 माइनस करोगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो रीमा ने कलेक्ट किया। मीन्स 910 में 138 माइनस करोगे जब आप, तो क्या मिलेगा आपको, 772 रुपीज़। मीन्स रीमा ने कितने रुपीज़ कलेक्ट किए, 772।